खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको उनका परिचय बता दूं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं फर्स्ट रैंपर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया नागपुर टू वर्क इन अ मूवी शिवम मुदनायक लियोनिक्स। सबसे पहले तो शिवम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Writer and composer of officially IPL anthem 2020, got features of Zee Music and G24 Taas, get features of Radio City and Radio Mirchi. तेरी खूबी पर दुनिया हंसेगी, तेरी खुशी से दुनिया जलेगी, तुझ में नहीं है कोई कमी लेकिन राह है मुश्किल, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ, ये कहना है शिवम का। शिवम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतनी कम उम्र में आपने जो फील्ड चूज की है, तो इसके लिए किसी का आपका ये ओन डिसीजन था या फिर किसी से इंस्पायर हुए हैं आप? देखिए, इंस्पायर तो मैं बहुत से लोगों से हुआ था, स्पेशली एमिनम करके हैं, वेस्टर्न रैपर है, उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था। बट ये डिसीजन मेरा खुद का था, ये लिखना मैंने खुद के लिए शुरू किया था एक्सप्रेस करने के लिए। कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन बहुत था, बट उसको मैंने हावी नहीं होने दिया खुद पे, तो वही डिसीजन खुद का था। एंड इंस्पिरेशन तो मैं अभी भी ले रहा हूँ लोगों से, बट मेन इंस्पिरेशन एमिनम। शिवम, ये बताइए कि बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं समझता है कि लियोनिक्स होता क्या है, तो आप मुझे बताइए कि लियोनिक्स मींस व्हाट? लियोनिक्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन है लायन, लियो और फीनिक्स, इन दोनों शब्द का। एक शेर की तेजी से मुझे आगे बढ़ना है, उसके एग्रेशन से आगे बढ़ना है, और फीनिक्स एक बर्ड है, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जो खुद की राख से पैदा होता है, जल के राख हो जाता है, खुद की राख से वापस पैदा होता है। तो उसी के जैसे मुझे कितना भी आप नीचे नीचा दिखा दो या फिर नीचे कर दो, मैं आई विल राइज अप अगेन, मैं फिर से उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। ग्रेट। ये बताइए कि दुनिया में हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे में स्ट्रगल होता है, और कहीं ना कहीं जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन बोलो या बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको इस ओहदे तक पहुंचाती है, तो क्या आपको ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई या आपको यहाँ तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? बनी बनाई तो कुछ नहीं मिली, लाइक फ्रॉम लाइक माई चाइल्डहुड फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरे थे, फिलहाल अभी भी मैं लड़ रहा हूँ उन चीज़ों से, बट वही है, अगर एक चीज़ मैंने ठान ली और कला ने मुझे एक आवाज़ दी और पहचान दी, तो वो मैंने खुद से ही स्ट्रगल कर करके अभी तक के जितना भी अचीव किया है, लाइक 7 साल हो गए करते करते, तो धीरे 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 धीरे, और ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया, तो हाँ खुद से किया, बट कहीं ना कहीं एक दिल में दिलासा था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरा इस फील्ड में। ये बताओ शिवम, हमें जहाँ तक पता है कि एक मराठी मूवी आई है जो कि काफी फेमस भी हुई है, पैदागिर, तो उसमें आपका एक रोल था, तो किस प्रकार की भूमिका निभाई थी आपने इस फिल्म में? एक्चुअली 2-3 साल पहले मुझे एज अ रिकॉर्डिंग के लिए एज अ रैपर बुलाया गया था। मुझे तब कोई भी आइडिया नहीं था कि किस चीज के लिए बुला रहे हैं वो। मैंने रिकॉर्डिंग दे दी और 2 से 3 साल बाद अभी जो मूवी रिलीज हुई पैदागिर, तब जाके मुझे पता चला कि मैं नागपुर का पहला रैपर हूँ जिसने मूवी में अपना आवाज दिया एज अ वोकलिस्ट, एज अ रैपर फ्रॉम नागपुर टू डू वर्क इन अ मूवी। इट्स लाइक फैंटास्टिक फॉर मी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को उस रैप की 3-4 लाइनें आप सुनाएं। पोटे आमच्या प्रशिक्षण असू राही बेकारी रोगराई, आमच्यासाठी दवा नाही सरकारी, वा लेली पोळी आमची यांची पुरणपोळी, अरे मटण कधी भेटत 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 नाही सारी सरकारी, मैं भी सेम तू भी सेम ये भी सेम, पैदागिर नाम में क्या रखा रे, अपने धंधे आखिर पैदागिर। वाओ ग्रेट। इसके अलावा बताएं शिवम कि आप बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, आपके से जो आप जो है फेमस, आपको कौन, मतलब आप किससे इंस्पायर होते हो, आपको कौन अच्छा लगता है? बेसिकली दोनों अच्छे लगते हैं आर्टिस्ट, बट सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मेरे मन में क्लासिकल म्यूजिक की है, जो क्लासिकल म्यूजिक भारतीय नींव है, तो एंड सबसे हार्ड मुझे वही लगता है। एंड एज अ हिप हॉप और मैं वेस्टर्न से ज्यादा लेता हूँ, बट अभी इंडियन रैप सीन जो है जैसे हिप हॉप सीन बहुत बढ़िया है, तो हाँ दोनों मिक्स्ड है मेरे। देसी हिप हॉप में अभी आपको करंट की अगर बात करें तो कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? डिवाइन, नो डाउट। कुछ लाइन डिवाइन की लाइंस, इट्स लाइक
एक गाना था उनका बिल्कुल जो गली बॉय में आया था, अपना टाइम आएगा, आपने सुना है? वो उन्होंने लिखा था, अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा. इट्स लाइक इट वॉज रिटन बाई हिम. एंड मेरे गली में तेरे शूटरों का खास, मेरे गली में पूरे शहर की आवाज, मेरे गली में. तो ऐसे कुछ गाने मैंने सुने उनके. एंड ही वॉज लाइक अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. जब मैंने वीडियोज देखे उनके, वो अपनी माँ के लिए भी बहुत प्यार दर्शाते हैं. तो उनके जैसा मैं भी, मैं डिवाइन ना, पर मैं भी मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ. फटी किस्मत मेरी कलम से सी रहा हूँ, गम के ये घूट मुस्कुराते हुए पी रहा हूँ, चमकू मैं बचपन से दादा बोले हीरा हूँ. वाओ ग्रेट. शिवम ये बताओ कि जैसे आप सिंगल पेरेंट हैं, यस, तो मतलब रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपने फेस भी किया है. तो इस फील्ड में आने के लिए अगर आपको मौका मिलता है आउट ऑफ जाने के लिए, तो जाना पसंद करेंगे आप? हाँ, बाहर जाने के लिए कभी भी मैं पसंद करूंगा. ये फील्ड ही मैंने चूज, इस फील्ड ने, इस कला ने मुझे चूज किया. टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ही एक्सीडेंटली लिखता गया और होते गया मुझसे. ऐसा मैंने जबरदस्ती चूज नहीं किया, यही करना है करके बिल्कुल कहीं ना कहीं होते गया और मैं अभी यहाँ पे हूँ. अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो कहाँ, कौन से फील्ड को ज्यादा सेकंड ऑप्शन रखते? मैं डायरेक्शन फिल्म मेकिंग में ऑलरेडी करता हूँ, मेरा वीडियो का भी खुद का काम है. आई थिंक आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं. हाँ, मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखता हूँ. एंड अगर इस फील्ड में नहीं होता तो मुझे बचपन से मेरा सपना था साइंटिस्ट बनने का. ओके, तो साइंटिस्ट बना रहा था मैं. शुभम ये बताइए कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी हमारे चैनल के माध्यम से, आपके जैसे ही बहुत से लड़के और लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्स करना पड़ता है या फिर बस आप अपने दिमाग का यूज करिए और इस टाइप से हो जाता है? नहीं, कोर्स तो नहीं, अभी फिलहाल इन चीज़ों के लिए कोर्स डिज़ाइन होने का, आई थिंक बॉम्बे में है थोड़ा थोड़ा. बट टेक्निक्स रहती है कुछ राइटिंग की, डबल सिलेबल राइम्स, मल्टी लैंग्वेजल राइम्स, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश वर्ड को भी राइम कर सकता हूँ. एंड स्टोरी टेलिंग की कुछ टेक्निक्स रहती है, तो वो धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ेगी. पहले तो आपको जो लेजेंड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके गाने सुनने पड़ेंगे, उनके गानों का अर्थ पता करना होगा, सिर्फ सुनना नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल, उसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप शायद स्क्रिप्ट राइट नहीं कर पाओगे, रैप भी नहीं लिख पाओगे. ओके, शिवम अभी तक का आपका लिखा हुआ कोई स्क्रिप्ट जो होगा या फिर रैप होगा, उसकी चंद लाइनें बताइए जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हो या फिर बहुत ज्यादा पसंद आती है. मेरा एक गाना है, ये पब्लिक कर गया है, जो मैं बहुत बाद में रिलीज करने वाला हूँ. उसकी लाइंस कुछ ऐसी है कि पूरा ओरिजिनल मैं जिंदगी का इक्का, ये पब्लिक है मेरी और मैं पब्लिक का, मुश्किल के सामने बंदा कभी ना झुका, ये पब्लिक है मेरी और मैं पब्लिक का, ए और मैं पब्लिक का, ये पब्लिक है मेरी और मैं पब्लिक का, क्या और मैं पब्लिक का, ये पब्लिक है मेरी और मैं पब्लिक का. मतलब एक आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस के लिए जीता है, वो मैं बताना चाहता हूँ इस गाने के थ्रू. और अगर हम 21-22 की बात करें तो इन दिनों ये इस टाइप के जो रैम सॉन्ग है, इनका क्रेज जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा सिर चढ़कर बोलता है, तो आने वाले दिनों में भी इसका क्या मतलब होने वाला है, क्रेज बढ़ने वाला है ऐसा लगता है आपको? Obviously हिप हॉप एक ऐसा कल्चर या आर्ट वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है ये, तो yes. इंडिया में भी इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी शोज भी आ चुके हैं, लाइक आप हसल वगैरह जानते होंगे, ऐसे शोज रियलिटी शोज बन चुके हैं हिप हॉप के लिए. रैपर्स को ब्रांड डील्स वगैरह मिल रही है, मुझे भी मिली कुछ, तो आई गेस बढ़ते जाएगा क्रेज और लोग एक्सेप्ट करेंगे जल्दी, आई होप. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर दर्शकों, अगर आप में से कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो आप सीधे शिवम से संपर्क कर सकते हैं. क्यों शिवम? आप पूछ सकते हो मुझे, आप हेल्प करने के लिए मैं कभी भी रेडी हूँ एक दूसरे कलाकार की. बिल्कुल बिल्कुल. शिवम ये बताइए कि अगर आपके एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के साथ साथ आप ये करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो आती है, बट पढ़ाई छोड़ के अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें होती होगी. मैं गाने या फिर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मुश्किल तो जाती है, बट लाइक थैंक्स टू गॉड कि जो मैंने कॉलेज में मेरा बताया, मूवी का बताया कि मैं, मेरा मूवी में भी सिलेक्शन हो गया है. मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किया लाइक IPL एंड ऑल कुछ दोस्तों के साथ मिलके, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. लाइक थर्ड ईयर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, बच्चे का कुछ हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे छूट दे दिया. कॉलेज की तरफ से भी फुल सपोर्ट है आपको आगे बढ़ने के लिए. yes. वाह क्या बात है.
शिवम, ये बताइए कि हमने सुना है कि एक 2-3 साल पहले आपका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था. एक्सीडेंट नहीं, आई थिंक कोई सीरियस इंजरीज हुई थी आपके साथ जो बहुत ही खतरनाक थी, और शायद भगवान ने आपको दूसरा जन्म जो दिया है. तो क्या हुआ था आपके साथ, और किस टाइप की वो जो समय था आपके लिए वो कैसा बीता था? तो बात ये हुई थी कि अचानक से लास्ट दिसंबर में मुझे कानों में अजीब सी आवाज़ आने लग गई, फ्रीक्वेंसी जैसा सुन जो आता है, और मुझे 1 के 3 लोग दिखने लग गए. तो मैं पैनिक हो गया, डॉक्टर्स को दिखाया बट उन्होंने पता नहीं कर पाया वो. फिर एक स्पेशलिस्ट को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोला कि मेरे इनर ईयर में पस था और पूरा खा चुका था मेरे ईयर बोन को. तो उसी के वजह से मैं 3 से 4 महीने मैं घर पे ही था, बेड पे. मुझे 1 के 3 दिख रहे थे एंड मैं चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से. तब बहुत निगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे थे मुझे, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे. बट मैं यही बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं, होल्ड ऑन, कभी ना कभी ये बुरा वक्त ख़त्म होगा और अच्छा वक्त आएगा. तो मेरा जैसे ही ऑपरेशन हुआ, 1-2 हफ्ते बाद मुझे मूवी की खबर पता चली. जैसे आपको बताया मैंने कि फर्स्ट बिल्कुल रैपर फ्रॉम नागपुर टू वर्क इन अ मूवी, वो मूवी रिलीज हो गई पैदागिर. एंड थैंक्स टू दैट मूवी एंड द डायरेक्टर एंड द होल टीम, मुझे लाइफ में और एक होप मिली है आगे कंटिन्यू करने की, रैप मेरी कला कंटिन्यू करने की. तो हाँ, बुरी चीज़ें तो हुई लेकिन अच्छी चीज़ें भी अभी हो रही है मेरे साथ. सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू ऑल जो भी मुझे देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक्स टू BCN न्यूज़. थैंक यू सो मच. जैसा कि देखा कि हर अच्छी चीज़ के पीछे बुरा और बुरी चीज़ के पीछे अच्छी दिन जो हैं वो सबके साथ आते हैं. शिवम के साथ भी ऐसा ही हुआ. एक समय ऐसा आया जब शायद शिवम आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि दोबारा से कभी आप इस फील्ड में आ सकते हो, लेकिन एक बार फिर आपको भगवान ने दूसरा जन्म शायद इसी के लिए दिया है ताकि आप न सिर्फ नागपुर में बल्कि पूरे भारत में अपना नाम रोशन करो, और न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जो हैं वो एक आइकॉन बने सबके लिए. शिवम, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शिवम, आपके लिए चंद लाइनें. सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और आगे बढ़ाती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और आगे बढ़ाती है. मुस्कुराते रहेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी. इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही. बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन बिसिन न्यूज. नमस्कार. हर जगह सीटी दी.